प्रोग्राम गालपति दी देख रही सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों जिंदगी विच अक्सर ही अजिहा हुंदा है कि असी अपना कंपैरिजन यानी कि अपनी तुलना दूजिया ना करते हाँ। कदे अपने क्लासमेट्स दे नाल, कदे अपने कोलीग्स दे नाल, कदे अपने आंढी गुआंढियां दे नाल, ते कदे अपने रिश्तेदारां दे नाल। अक्सर ही अजिहियां स्थितियां आ जांदियां हन कि असी अपनी तुलना दूजे नाल कर बैठते हाँ। इन्ना ही नहीं, बहुत सारे लोग भी एक दूजे का कंपैरिजन करते हैं, जिवें कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की तुलना दूजिया के बच्चों नाल करते हैं। फलाने के बच्चे ने तो ये कर लिया, फलाने के बच्चे ने तो ये ओदा मिल गया, यानी कि असी अपने बच्चों की तुलना दूजिया के बच्चों के नाल आसानी नाल करते हाँ। ठीक इस तरीके दे नाल वर्किंग प्लेस से भी हुंदा है। वर्किंग प्लेस से भी एक इंपलॉय की तुलना दूजे इंपलॉय के नाल आसानी नाल कर दिती जाती है। घरां विच भी ये तुलना हुंदी है, वर्किंग प्लेस से भी ये तुलना हुंदी है, तो अक्सर असी इस कंपैरिजन का तुलना का शिकार हो जाते हाँ। असल विच कंपैरिजन एक इदां दी चीज़ है जो साडा सुकून खो लैंदी है, साडे मन दे विच डर असुरक्षा दी भावना पैदा कर दिंदी है। आखिर कंपैरिजन क्यों जरूरी है, आखिर कंपैरिजन किन्ना को जायज़ है, की सानू कंपैरिजन करना चाहिदा है, अज दा साडा विषय यही होएगा। दोस्तों प्रोग्राम गलपते दी विच असी अज गल कर रहे हां कंपैरिजन दी, कि आखिर कंपैरिजन यानी कि तुलना किन्नी को जायज़ है। कोई भी सिट्टा कढ़न तो पहला मैं तुहाडे नाल एक कहानी सांझी करती हाँ। ये कहानी है एक स्टूडेंट दी। ये वो स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कीती हुंदी है। ये अपने दोस्तों वाल देखता है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करन तो बाद इसके दोस्त बहुत वधिया जगह ते सैट हो चुके होंदे ने। कोई अपने परिवार का बिजनेस चला रहा हुंदा है, कोई मल्टीनैशनल कंपनी दे विच जॉब कर रहा हुंदा है, ते कई अब्रॉड चले गए हुंदे ने। ये बहुत ज़्यादा उदास हुंदा है स्टूडेंट, कि आखिर उसके हाथ पल्ले तो कुछ भी नहीं है। वो इन्ना ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो अपना कंपैरिजन कर रहा हुंदा है अपने नाल दे क्लासमेट्स दे नाल। जिमें जिमें वो अपनी तुलना नाल दे क्लासमेट्स दे नाल करता रहिंदा है, उवें उवें उसका सुकून खत्म हुंदा रहिंदा है। उसके मन दे विच डर असुरक्षा की भावना वधदी रहिंदी है, तो आखिरकार वो एक फैसला लैंदा है। वो फैसला हुंदा है आत्म हत्या करन दा। वो ये फैसला करता है कि मैं अपनी जिंदगी नूं खत्म कर देना है। वह दूर एक पहाड़ी ते जाता है, पर आत्महत्या करन तो पहला उस पहाड़ी ते बैठता है। हजे वह कुछ सोच रहा हुंदा है कि उसने एक आवाज़ सुनाई दिंदी है। वह आवाज़ उसनूं पुछती है कि बेटा तू इत्थे क्यों आया है। तां वह कहिंदा है कि मैं अपनी जिंदगी तो बहुत परेशान हो चुका हाँ। मेरे नाल दे क्लासमेट्स अपनी जिंदगी विच अग्गे वध गए ने, मैं बहुत पिछे रह गया हाँ, इसलिए मैं अपनी जिंदगी नूं खत्म करना चाहता हाँ। वो आवाज़ कहती है अपने आले दुआले देख। तो वो स्टूडेंट अपने आले दुआले देखता है, उसनू एक पासे झाड़ियाँ दिखाई देंदियां ने जो बहुत वड्डियां होंदियां ने, ते दूजे पासे उसनू दिखाई देंदा एक छोटा जिहा पौधा जिहड़ा कि हुणे हुणे उस जमीन दे विचों बाहर निकलिया हुंदा है। तो आवाज़ कहती है की देखिया तू। तो स्टूडेंट कहता है एक पासे झाड़ियाँ ने जिहड़ियां कि खूब वध फुल रही ने, दूजे पासे एक छोटा जिहा पौधा है जिहड़ा कि हुणे हुणे धरती तो बाहर निकलिया है, तो पता नहीं इन्हें कदों वड्डा होना है। तो आवाज़ कहती है कि इन्हां दोहां नूं मैं इक्को दिन बीजिया सी, झाड़ियाँ नूं भी ते बांस दा रुख है, इन्हां दोनों दे बीज मैं इक्को दिन बोए सन, इन्हां नूं इक्को जिहा पानी दिता, इको जिहा वातावरण दिता, पर ये झाड़ियाँ वड्डियां हो गई ने, पर यह बांस का रुख हजे बहुत छोटा है। पता है क्यों? क्योंकि जदों ये झाड़ियाँ वड्डियां हो रही सन ना, तो यह बांस का बीज इस धरती के हेठां अपनियां जड़ां नूं मजबूत कर रहा सी, ये अपनियां जड़ां नूं फैला रहा सी, ये अपनी होंद नूं मजबूत कर रहा सी। वो विद्यार्थी बहुत ध्यान नाल सोचता है और आवाज़ उसनू कहती है इन्हां दोहां दा कंपैरिजन नहीं हो सकता।
कुछ चीज़ां होंदियां ने, कुछ लोग होंदे हन जो झाड़ियां वांग जल्दी अपनी जिंदगी विच तरक्की कर लैंदे हन, पर कुछ लोग होंदे हन जो अपनी होंद नूं मजबूत करदे हन ते कुछ समय बाद तरक्की उन्हां दे कदम चुमदी है। अक्सर ही झाड़ियां छेती फैल जांदियां हन पर रुखां नूं वधण दे लई समा लगदा है, पर कदे भी इन्हां दी तुलना नहीं कीती जा सकती क्योंकि रुखां ते झाड़ियां दी इस सृष्टि दे विच, इस कुदरत दे विच अपनी एक विलक्खण थां है। ठीक इसे तरीके दे नाल किसे दी तरक्की तों जलना नहीं चाहिदा। आवाज़ कहती है कि कुछ लोग जिंदगी विच जल्दी तरक्की कर लेंदे ने, पर कुछ लोग होंदे हन जिन्हां नूं तरक्की करन दे विच समा लगदा है। वो अपनियां जड़ां नूं मजबूत कर रहे होंदे हन, पर कदे भी किसे दा किसे दूजे नाल कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि एक कुदरत दा नियम है कि हर एक चीज़ अपनी रफ्तार दे नाल अगे वधदी है। कई चीज़ां फटाफट अगे वध जांदियां ने, कई चीज़ां नूं समां लगदा है, पर हर एक नूं मंजिल जरूर मिलदी है। इसलिए जिस तरह इस झाड़ी दा ते इस बांस दे रुख दा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि जदों बांस दा रुख वधिया ना तां उसने कुछ ही दिनों दे विच बहुत वड्डा हो जाना है ते झाड़ियां उसके सामने बहुत छोटियां रह जाणगियां। ठीक उस तरीके दे नाल जिंदगी दे विच किसी भी इंसान का दूसरे इंसान दे नाल कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक विलक्खण खासियत हुंदी है। हर एक इंसान अपनी रफ्तार दे नाल जिंदगी विच अगे वधदा है। कुछ लोग जल्दी ही अपनी मंजिल नूं प्राप्त कर लेंदे हन, कईयां नूं अपनी मंजिल प्राप्त करन नूं समा लगदा है, पर कोई भी व्यर्थ नहीं हुंदा, कोई भी बेकार नहीं हुंदा। हर एक शख्स दी इस दुनिया दे विच अपनी एक वक्री होंद है, वक्री पहचान है, इसलिए कंपैरिजन कदे नहीं करना चाहिदा। तां उस विद्यार्थी नूं एक उम्मीद, एक आस बचदी है, उसनों भी लगता है कि वह अपना कंपैरिजन दूजियां नाल क्यों कर रहा है। वह आवाज़ कहती है कि तू कंपैरिजन अपने क्लासमेट्स दे रिजल्ट नाल कर रहा है, पर उत्थे तक पहुँचने लिए तेरे क्लासमेट्स नू किन्ना संघर्ष करना पिया या हजे भी उन्हां दी जिंदगी विच किन्ना संघर्ष है, वो अपने मुकाम नू हासिल करन दे लिए किन्नी जद्दोजहद कर रहे ने, तेनू इस बारे शायद अंदाजा भी नहीं है। तां वो विद्यार्थी एक उम्मीद दे नाल, एक आस दे नाल दोबारा घर वापस आता है, अपनी जिंदगी नू नवियां लीहां ते लैके आता है, अपना कंपैरिजन करना छड़ देंदा है। दोस्तों गल असी जारी रखांगे। दोस्तों गल पते दी प्रोग्राम दे विच गल चल रही है कंपैरिजन दी कि आखिर कंपैरिजन करना जायज़ है। कहानी तो सानू यही सिक्ख्या मिलती है कि हर एक चीज़ दी इस कुदरत विच, इस दुनिया दे विच अपनी एक महत्ता हुंदी है कि हर एक शख्स हर एक चीज़ अपने सही समय ते सही रफ्तार दे नाल अगे वधदा है। असल विच दोस्तों कंपैरिजन साडा सुकून खो लैंदा है, तुलना नजायज़ हुंदी है क्योंकि जदों असीं किसी इंसान की दूसरे इंसान दे नाल तुलना करते हाँ तो वह इंसान एक अजिही दौड़ का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जिहड़ी दौड़ उसनू सही मंजिल तक नहीं पहुँचाती। तुसी भी देखा होएगा कि कई बार अजिहा हुंदा है कि असी बहुत सारे लोगों का कंपैरिजन या अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हाँ तो वह इन्ने परेशान हो जाते हैं कि कई लोग ड्रग्स में एडिक्ट भी हो जाते हैं, कई लोग कुराहे पै जाते हैं, कई घर छड़ जाते हैं, तो कई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झल पाते तो आत्महत्या भी कर लेंदे हैं क्योंकि कंपैरिजन कदे भी सानू खुशी नहीं दे सकता। कंपैरिजन हमेशा साढ़े मन के अंदर एक असुरक्षा की, एक डर की, एक बेचैनी की भावना पैदा कर देता है तो असी बदोबदी वह चीज़ा कर लग जाते हैं जो शायद असी जिंदगी दे विच कदे भी करना नहीं चाहते। इसलिए बहुत जरूरी है कि असी कदे भी अपना कंपैरिजन दूसरे दे नाल ना करिए क्योंकि असी अपनी जिंदगी दे विच जो अचीव करना है वो असी जानते हाँ। सानू अपनियां जड़ां नूं मजबूत बनाते हुए जिंदगी दे विच अपनी रफ्तार दे नाल अगे वधना चाहिए है।
ठीक इसे तरीके ना सानू भी चाहिदा है कि असी अपने नाल जुड़े लोकां दा कंपैरिजन भी दूसरे दे नाल ना करिए। दोस्तों मोटिवेशन हमेशा दूसरे तो लेनी चाहिदी है। दूसरियां शख्सियतां नू अपनी जिंदगी दे विच सफल हुंदे देख के उन्हां दे वांग बनन दी कोशिश करनी चाहिदी है, उन्हां तो प्रेरणा लेनी चाहिदी है, पर कंपैरिजन नहीं करना चाहिदा क्योंकि मोटिवेशन पॉजिटिव चीज़ है। वो हमेशा तुहानू प्रेरणा दिंदी है। प्रेरणा उदों दिंदी है जदों असीं हिम्मत हार चुके हुंदे हां, जिवें कि इस आवाज़ ने प्रेरित किया। पर जिहड़ी कंपैरिजन ना दी फीलिंग है, ये हमेशा इंसान विच जैलसी लैके आती है। कंपैरिजन कदे भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसलिए सानू चाहिदा है कि असी रोल मॉडल बनाइए, सानू चाहिदा है कि असी दूसरों के सामने रोल मॉडल सैट करिए ताकि लोग उस तो प्रेरित होकर अपनी जिंदगी अगे वध सकन। पर कदे भी असी किसी का भी किसी भी शख्स का किसी भी चीज़ का दूसरे के नाल कंपैरिजन ना करिए। उम्मीद करते हाँ कि असी तुलना ना दी इस बीमारी तो बचे रहिए, ते कोई भी इंसान किसी दूसरे का किसी दूसरे के नाल कंपैरिजन ना करे। इस उम्मीद के नाल मैं थोड़ी दोस्त इकनोर इजाजत लेंदी हाँ। धन्यवाद।